बालरोगन क्षेत्र के क्रिश्चियन विलेज में एक मकान में आग लगने से वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो भीषण हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन दल और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे फायर सर्विस अधिकारी धीरज तड़ियाल ने बताया कि आज सुबह 11:10 पर उन्हें सूचना मिली कि बालरोगन क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई है, जिस पर वे अपने आग बुझाने के उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मकान में रखा सारा सामान जल चुका था। उसके बाद फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि इस मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जो मोमबत्ती जलती छोड़कर चले गए थे, उसके बाद मोमबत्ती के कारण आग लग गई। ये अभी हमें 11:10 के करीब हमारे को एक सूचना मिली कि क्रिश्चियन वैली के पास एक मकान में आग लगी है, तो हमें तुरंत हम आग की सूचना पाते ही आनंद भवन में सीधे पहुँचे, जहाँ पर कि स्थानीय पुलिस और हम सभी पहुँच गए थे और देखा गया कि एक झोपड़ी जिसमें कि एक क्या नाम उसका नाम क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, वो मोमबत्ती जला के छोड़ के चले गया और जिससे कि उसके में आग लग गया और सारा बिस्तरे उसके और उसका जो सामान था थोड़ा बहुत जो सारा जल के खाक हो गया। बस शुक्र यह है कि किसी की जान माल की कोई नुकसान नहीं था। दूसरा, यहाँ आने के लिए बहुत ही कंजस्टर और बहुत ही रास्ता है, यहाँ गाड़ी लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था और कहने को यह है कि यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी उसमें बस किसी तरीके से आग को हमने संपूर्ण रूप से बुझाया। इस संबंध में हमने जल संस्थान से बात करी है कि यहाँ पे हाइडेंट लगाने के लिए व्यवस्था की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि अभी इसमें कार्रवाई हो जाएगी, करवा देंगे के लिए अभी प्रस्ताव जा रखा है। हाँ, ये बात तो है, इस बात में तो हम कहते हैं। तभी हमने इधर के इर्द गिर्द के होटलों से, जैसे होटल वालों को भी हमने इस बात पर कह रखा कि भाई अगर आपके पास पानी वानी की कोई भी व्यवस्था होगी, जैसे JP है वहाँ पे हमने पूरी वो व्यवस्था है, अगर यहाँ पे जैसे कोई आग लगती है तो हम JP से पानी भर सकते थे, लेकिन यहाँ के लिए भी आगे उसमें किया जाएगा, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। मसूरी से दैनिक भास्कर संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।